अंदर नहीं जाएंगे आप लोग, बेटी को कैसे नहीं मिलने दे रहे हैं आप लोग, रुके ना। नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। परसों शाम को एक बड़ी दुखद खबर सामने आई थी कि बिहार के जो एक नेता है, कद्दावर नेता थे और केंद्र में मंत्री, LJP के संस्थापक रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, परसों रात को दिल्ली में उनका निधन हो गया। इसके बाद कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया, ट्वीट करके कहा कि वो बहुत याद आएंगे। और कल शाम को पटना एयरपोर्ट पे वायुसेना के विशेष विमान से उन्हें पटना लाया गया है। इसी क्रम में उनके साथ उनके बेटा चिराग पासवान, जो कि जमुई से सांसद हैं, और केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद, दोनों ही उनके साथ आए हैं। आपको बता दें कि कल शाम को पटना एयरपोर्ट के छावनी में बदल दिया गया था। कई दिग्गज नेता बिहार के उनके पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए पटना एयरपोर्ट आए थे, जिस क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और कई नेता, राजीव प्रताप रूडी और कई कद्दावर नेता पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद इसी क्रम में उनकी जो बेटी है आशा पासवान और उनके जो दामाद हैं साधु पासवान, दोनों उनके पार्थिव शरीर को नमन करने आए थे, पर उन्हें कई रीज़नों से अंदर नहीं जाने दिया गया। पटना के जो जिलाधिकारी हैं उनके तरफ से अनुमति दी गई थी कि 5 लोगों को ही अंदर जाने दिया जाएगा, जिनमें उन दोनों का नाम नहीं था। इस घटनाक्रम के बाद बहुत देर तक साधु पासवान और उनकी जो वाइफ हैं दोनों काफ़ी देर तक रोए, वहां पे धरना प्रदर्शन किया, पर फिर भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। देखिए क्या कह रहे थे उनके जो दामाद हैं साधु पासवान। ये अंदर अलाउ नहीं है तो फिर अंदर किसका अलाउ है? जब उनकी बेटी को रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना चाहिए। इसके दबाव में ये सरकार किनका है? ये सरकार है किनका? जब एक बेटी को रोका जा रहा अपने ये एथी के लिए। साधु जी, आपको लगता है कि चिराग पासवान की फैमिली की तरफ से मना करवाया गया है? नहीं नहीं नहीं, चिराग हमारा छोटा साला है, बार का घर है, ठीक है। राजनीतिक अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी जगह है। हटाइए, अरेस्ट कीजिए, हम लोग अरेस्ट कीजिए, हम लोग अरेस्ट करने को, अरेस्ट कीजिए आप लोग, नहीं अरेस्ट कीजिए, हम लोग को अरेस्ट कीजिए, आप प्लीज के अरेस्ट कीजिए, नहीं अरेस्ट कीजिए, आप लोग अरेस्ट कीजिए, नहीं आप लोग नहीं, नो नो, मैं भी एक संविधान SC ST पर खुश का क्या बोल रहे हैं ये लोग? ऐसे नहीं, प्लीज खेलिए, नहीं खेलिएगा, खेलिएगा तो फिर धरना दे रहा है सर, खेलिएगा तो फिर हम लोग यहाँ धरना पर बैठ जाएंगे, धरना पर बैठ जाएंगे। तो आपने देखा कि कितने भावुक हो गए थे साधु पासवान, बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। अपने जो ससुर हैं, जो रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने बोला कि भले ही जो भी हमारे व्यक्तिगत मतभेद हों, पर वो मेरे ससुर जी थे और जो मेरे साले साहब हैं चिराग पासवान, हम उनके साथ हर कदम पे उनके साथ खड़े हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।